सो गाइस, दोस्तों, सहेलियों, तो हम लोग जा रहे हैं पुणे। मुझे पहले ही व्लॉग शुरू करना चाहिए था, मैं मेरे फ्रेंड के घर पे आई हूँ उसके पहले ही, लेकिन मैंने लेट कर दिया क्योंकि इसने मुझे अप्रूवल लेट दिया। अप्रूव्ड। ये मुझे लेट बोली, लिफ्ट में बोली शुरू कर। ऐसे रखते फोन लोग नहीं, वो उल्टा रखते हैं, इसको व्लॉगिंग करना भी नहीं आता। ऐसे रखते हैं। अरे बिच, मोबाइल को ऐसे रखते हैं। उल्टा कैमरा हमारा अच्छा नहीं है, हमारा कैमरा ही अच्छा नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम अभी आ गए हैं यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी। आई विल शो यू। यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर से ही गेट दिखाऊंगी मैं आपको। तेज रफ्तार के साथ सारी गाड़ियां छूट रही है, जैसे सिग्नल छूटे। ये है यूनिवर्सिटी का गेट। 20 मिनट्स लेटर। पुणे में आकर चतुर्सिंह के मंदिर के वहाँ पे वीडियो बनाने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, और फाइनली फिर ये टाइम आ गया था कि मुझे आना ही था, वीडियो बनाना ही था। चतुर्सिंह के मंदिर पुणे के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, और ये मंदिर सेनापति बापट रोड यानी कि SB रोड के वहाँ पे है। JW मैरिट से 7 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मंदिर है, और ये जहाँ पे पार्किंग एरिया है, कार्स और ये सब लगाई है, वहाँ पे नवरात्र के टाइम पे खाने पीने की, कपड़ों की और बाकी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। नवरात्र के टाइम पे बहुत भीड़ से भरा हुआ होता है सभी एरिया, और नवरात्र के टाइम पे होने वाले उत्सवों के लिए ये मंदिर बहुत जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। 10वें दिन की शाम को चांदी के रथ पर देवी चतुर्सिंह की चांदी की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पे मैंने पैर पड़ के ऊपर जाने के लिए देवी माता का आशीर्वाद लेके चढ़ना शुरू किया। मंदिर के परिसर में हमें देवी दुर्गा और भगवान गणेश का मंदिर भी दिखा। यहाँ पे हम चप्पल निकाल के आगे दर्शन के लिए गए। वहाँ पे कुछ उनके गाइडलाइंस की वजह से हमें कैमरा लेना, शूटिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे बंद किया। इस मंदिर में अष्टविनायक की 8 लघु मूर्तियां भी शामिल है, और सब चढ़ते चढ़ते मुझे रास्ते में काल भैरव भगवान का मंदिर मिला। दोनों को दम लग गया है। दम लग गया, थक गए। अरे वो ऐसे दम लगता है ना, ऐसे सांस फूलती रहती। हाँ, सांस फूल गई दोनों की इतना सा चढ़ के। इस मंदिर के स्थापना की एक कहानी है। कई वर्षों पहले पेशवाओं के शासनकाल के दौरान दुर्लभ शेठ महाराज नाम के एक सावकार थे, और वह सप्तशृंगी देवी के भक्त हैं। सप्तशृंगी देवी नासिक के पास बनी के पहाड़ पर स्थित है, और हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन वह देवी की पूजा करने के लिए वनी की यात्रा के लिए जाते थे, और कई वर्षों बाद उनको सप्तशृंगी देवी की यात्रा के लिए जाना कठिन हो गया, तो वह दुख से पीड़ित होकर उन्होंने देवी माता को कहा कि मैं आपके दर्शन के लिए आपके पास नहीं आ सकता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसकी इतनी भक्ति और श्रद्धा के कारण सप्तशृंगी देवी उनके स्वप्न में आकर कहती है, यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी, और उन्होंने
उसे कहा पुणे के उत्तर पश्चिम में स्थित एक पहाड़ पर आकर वहाँ खुदाई करने के लिए। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, जल्दी एक चमत्कार हुआ क्योंकि उन्हें स्वयंभू देवी की एक प्राकृतिक मूर्ति मिली और उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया और जिसे फिर से निर्मित और प्रतिष्ठित किया गया है। चतुर का अर्थ होता है चार, यानी कि चार चोटियों वाला पर्वत। मंदिर में चढ़ने उतरने के लिए 170 से अधिक सीढ़ियाँ का उपयोग किया गया है। मंदिर का परिसर चारों ओर झाड़ों से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही फ्रेश और प्रसन्न लगता है। हमारा दर्शन होने के बाद हम वहाँ पे बैठे थे और बहुत सारे फोटो वीडियो खींचे हमने वहाँ पे। मेरी इसका कलर ही चेंज। ऐसी चली गई मुझे छोड़ के। गुड बाय, गया। अभी शर्म आ रही है। बहुत परेशान करती है लड़की में। खुद तो मुझे छोड़ के चली गई आगे और बाद में बोल रही बहुत परेशान करती है मुझे। मैं परेशान करती हूँ कि हमारा दर्शन हो चुका है। लाइट के इफेक्ट की वजह से और अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा है। क्या चीज़ है जो खाने वाले हम लोग नाम भूल गए। क्या है बोलना, तू बता क्या है। अप्पे, हाँ अप्पे। सही बोल रहे हैं। क्या बोली, अब हम खाने वाले हैं अप्पा। अप्पा खाएंगे। बाय। 20 मिनट्स लेटर। ये ट्रैफिक की हद देखो, पुणे के ट्रैफिक की। और ये तंग हो गई है इस ट्रैफिक में। 1 hour later. घर पे जाइए। बहुत अच्छा हुआ दर्शन। दर्शन। हाय कृष्णा, हाउ आर यू? अरे एक बार ठीक है। ये मेघा का भाई है। चलो, तो मैं मेरा ब्लॉग क्लोज प्लीज क्लोज द डोर ब्रो, ये बताना चाहिए। तो मैं मेरा ब्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी और प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही होगी तो वो भी करो। वो इम्प्रूवमेंट वो क्यों करेगी? इम्प्रूवमेंट कुछ लग रही होगी तो मुझे बताओ, मैं करूँगी।